इस चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, इट्स फ्री। दोस्तों, पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर महीने लाखों रुपए की कमाई की संभावना है। और इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि इस वीडियो में मैं आपको और एक नई चीज दिखाने वाला हूं। जिसको करके महीना में आप कम से कम 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं और आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हम इसमें बताएंगे कि ये बिजनेस क्या है, इसमें कौन कौन सी मशीन की जरूरत होती है, इसमें कौन कौन सी रणनीति की जरूरत होती है, इसका प्रोडक्शन किस तरह से करेंगे, इसमें टोटल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इससे टोटल कितना प्रॉफिट कर पाएंगे, इसका प्रॉफिट रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताएंगे, ये मशीन और ये रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, इसका मार्केटिंग कैसे करें, कहाँ करें, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बिजनेस क्या है। दोस्तों, ये बिजनेस है पेपर कप मेकिंग बिजनेस, यानी पेपर कप बना के और मार्केट में सेल करना है अपना जो है प्रोडक्शन यूनिट लगा के। इसके लिए आपको मशीन की जरूरत होगी और रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। तो दोस्तों, इस मशीन की कीमत क्या है, तो आइए देखते हैं पेपर कप मशीन बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी मशीन की जरूरत होती है। दोस्तों, आपको जो है इसमें एक ही मशीन की जरूरत होती है, फुल्ली ऑटोमेटिक पेपर कप मेकिंग मशीन। दोस्तों, आप जो यहाँ पर पेपर कप बनाने की मशीन अभी देख रहे हैं वीडियो में, वो मशीन अलग अलग साइज के पेपर कप बना सकती है। अभी जो मशीन में बन रहे हैं वो पेपर कप काफी बड़ी साइज के हैं, जो अभी हम शादियों में सूप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये छोटे कप भी बना सकती है। इसमें अगर हम डाई को चेंज कर देंगे तो ये मशीन छोटे कप्स को भी बना सकती है, यानी कि चाय पीने के कप्स वगैरह, वो छोटे साइज के कप्स भी बना सकती है ये मशीन। इसमें सिर्फ एक डाई चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ये मशीन जो है ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। और दोस्तों, इसमें आपको दो तरह की रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, एक चारों ओर जो पेपर कप का घिरा हुआ होता है वो अलग अलग टुकड़ा आता है, और इसके बाद कप के नीचे में जो बटन होता है जिसके कारण कोई भी चीज हम रखते हैं उसमें तो नीचा नहीं गिर पाता है, वो तो उसका रोल आता है, पेपर रोल आता है उसको बनाने के लिए, यानी पेपर कप का बटन बनाने के लिए रोल आता है, और चारों साइड से जो घिरा होता है वो बनाने के लिए पेपर का टुकड़ा आता है। तो उसमें हमें पेपर का जो कट का जो रो मटेरियल है वो सिर्फ डाल देना है, तो ये मशीन अपने आप पेपर कप बनाएगी, उसे जोड़ देगी और फिर पूरा एक कप उसका बंडल तैयार करके हमें रेडीमेड देगी। तो ये मशीन जो है वो काफी काम की है हमारे बिजनेस के लिए, ये काफी अच्छा मुनाफा हमें कमा के दे सकती है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो इसमें ज्यादा काम जाम की भी जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा लेबर की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, एक ही आदमी इसे एक पद पर ऑपरेट कर सकता है। आप चाहे तो मार्केट से टुकड़ा खरीद लीजिए, या फिर उसका टुकड़ा बनाने वाला भी एक अलग से मशीन आता है, उसके जो प्रिंट किया जाता है वो भी मशीन अलग से आता है, जो भी आप चाहे जिस भी फिगर को प्रिंट करना चाहे या फिर जो भी टेक्स्ट आप प्रिंट करना चाहते हैं उस कप पे वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हम आगे बताएंगे इससे क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको प्रोसेस बता देते हैं कि किस तरह से आपको जो है प्रोडक्शन करना है। दोस्तों देखिए, ये फुल्ली ऑटोमेटिक पेपर कप मेकिंग मशीन है। दोस्तों आप जो इस साइड जो देख रहे हैं रखा हुआ है पेपर का टुकड़ा, यही इसका रॉ मटेरियल है, और दूसरा रॉ मटेरियल उस साइड जो है पेपर का रोल है। तो दोस्तों, इसको मशीन में वहां पे लगा दिया जाता है, जैसा कि आप वहां उसके उस साइड जो है देख रहे हैं, जहां पे रखा हुआ उसके उस बगल देख रहे हैं रखा हुआ है, इस तरह से जो है उसमें लगा दिया जाता है। इसमें लगाने से पहले थोड़ा पानी डाल दिया जाता है ताकि उसको भिंगा दिया जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे आता है वो इस साइड, तो यहाँ पे फोल्ड होता है और फोल्ड होकर यहाँ नीचा गिरता है मशीन के दूसरे पार्ट में, और वहां उस साइड जो जाता है देख रहे हैं ना, उस साइड पहले जाता है, तो उस साइड जो है पेपर कप का जो है बटन लगता है। इसके बाद जो है इस साइड आता है ऊपर दाएं साइड वाले मशीन में, और यहाँ ऊपर जाता है, फिर नीचा से होकर आता है, और देखिए ऊपर की ओर जो है पूरा जो है प्रोडक्शन होकर और ऑटोमेटिकली जो है ये कप स्टोर हो रहा है। बस आपको इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक ही ऑपरेटर की जरूरत होती है, सिर्फ इसमें जो है पेपर डालना है, रॉ मटेरियल डालना है और इसे निकालना है, जब ये भर जाता है तो इसे निकालना है, बस एक ही आपको लेबर की जरूरत होगी इस मशीन को ऑपरेट करने के। दोस्तों जहां तक बात है मशीन की कैपेसिटी की, तो मशीन की कैपेसिटी लगभग 1 मिनट में
60 पीस प्रोडक्शन करती है, यानी 1 मिनट में 60 पीस जो है पेपर कप आप इस मशीन से तैयार कर पाएंगे। और देखिए, जहां तक बात है पेपर कप की साइज की, तो कप की साइज जो है इसका जो डाई लगा हुआ है, डाई चेंज करके और आप साइज भी घटा या बढ़ा जा सकते हैं। मान लेते हैं आपको छोटा साइज का कप की जरूरत है, तो छोटा डाई लगा दीजिए और उससे आप प्रोडक्शन कर लीजिए, और अगर बड़ा साइज का जरूरत है तो बड़ा साइज का डाई लगा दीजिए और प्रोडक्शन कर लीजिए। तो दोस्तों, इसका जो भी ट्रेनिंग है, आप जहां से मशीन लेंगे वहां आपको पूरा ट्रेनिंग दे दिया जाता है। वे लोग जो है यहाँ आपके जहाँ आते हैं, जहाँ आप मशीन जो है सेट करवाएंगे, वहां यहाँ आते हैं, यहाँ आपका जो है मशीन से इंस्टॉल कर देंगे और 2-3 रोज रह के आपको पूरा ट्रेनिंग दे देंगे। इसमें क्या कैसे है, डाई कैसे चेंज करना है, इसमें टेम्परेचर कैसे सेट करना है प्रोडक्शन करने वक्त, है ना, इसका जो है। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट भी होता है। तो देखिए, आपको प्रॉफिट जो है बता देते हैं कितना होगा। देखिए, टोटल प्रोडक्शन आप 1 मिनट में इस मशीन से कर सकते हैं 60 पीस, यानी 60 पीस 1 मिनट में। इस तरह से अगर आप 1 घंटा काम करेंगे तो 1 घंटा में 3600 पीस कर देंगे। इस तरह से एक दिन में अगर आप 10 घंटा काम करते हैं तो 36,000 पीस जो है आप प्रोडक्शन कर देंगे। तो एक कप पे अप्रोक्स आपको 15 पैसा जो है बच जाता है, 15 पैसा बच जाता है। इस तरह से टोटल प्रॉफिट ऑन 36,000 कप, यानी एक दिन में आप 36,000 कप प्रोडक्शन करेंगे तो टोटल प्रॉफिट होगा 36,000 कप पे, 36,000 को मल्टीप्लाई करेंगे जो है 15 पैसा से, तो अप्रोक्स जो है 5,400 रुपया होता है। अप्रोक्स नहीं, एक्यूरेट होता है 5,400 रुपया। तो इस तरह से अगर आप एक दिन में 5,400 रुपया कमाते हैं, तो इस तरह से अगर आप 1 महीना काम करेंगे तो 30 दिन काम होगा महीना में, तो 30 को 5,400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,65,000 रुपया होता है। यानी आप इस बिजनेस को अगर आप 10 घंटा काम करते हैं इस पे, तो 1,62,000 कमा सकते हैं। और ये मशीन आप चाहे तो दिन में भी और रात में भी दोनों टाइम चला सकते हैं, क्योंकि ये मशीन जो है ज्यादा हीट नहीं होती है। आप हमेशा इसको चलाइए तभी कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप इसको जो है 20 घंटा 22 घंटा तक भी चला सकते हैं। अगर मान लेते हैं 20 घंटा डे नाइट अगर काम करते हैं तो 20 घंटा होगा, तो 20 घंटा अगर आप चलाएंगे तो इससे दोगुना होगा, इसका डबल, ये 1,62,000 हो रहा है तो वहां होगा 3 लाख से ऊपर। शुरू प्रोडक्ट आराम से सेल हो जाएगा और आपका प्रॉफिट जो है अच्छा खासा होने लगेगा। तो